गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। हम लोग आज करें यहाँ पे आदर्श नगर गुड़गांव। ये जो हमारा कारपेट साइज है, जो हमारा फ्लोर, ये जो हमारा कारपेट एरिया, ये है 750 स्क्वायर फीट। और ये हमारा हो गया लॉबी एरिया, जो कि आप देख सकते हो डिजाइन काफी इसका एलिगेंट है। फॉल सीलिंग का डिजाइन भी दिया हुआ है। इसमें आपको सारे हिंडवेयर के फैन भी बिल्डर दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारा टेक्सचर वॉल हो गया ये, जो कि आप देख सकते हो। फ्लोर में टाइलें लगी हुई हैं। ये हमारा इसका डोर हो गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। बताना चाहूंगा आपको कि ये 2 BHK है। पहला बेडरूम यहाँ, इसमें एक आपको अटैच्ड वॉशरूम है और एक बालकनी इससे अटैच्ड है। और एक जो है हमारा सेकेंड बेडरूम यहाँ हो गया, इसमें भी वॉशरूम अटैच्ड है। एक छोटा सा बालकनी भी इसमें दिया हुआ है बैक साइड का। और जो इसमें वार्डरोब का साइज है, ये भी आपको काफी अच्छा साइज है, छोटा साइज नहीं है इसमें। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। इसमें क्या है कि हमारा ये वाला जो बेडरूम है, सबसे बड़ा साइज है इसका, मास्टर बेडरूम बोल सकते हो आप। तो इसमें ये हमारा इसका डिजाइन है फॉल सीलिंग का। फैन का भी प्रोविजन दिया हुआ है, बिल्डर दे रहे हैं आपको। यहाँ पर टेक्सचर वॉल की भी है, इसमें डिजाइन काफी अच्छा है इसका। एक बार मैं वॉक अराउंड करवा देता हूँ आपको। फ्लोर में टाइले लगी हुई है इसमें। इसमें ये हमारा वार्डरोब एरिया हो गया। इसमें आपको ये यहाँ पर टीवी कैबिनेट का भी दिया हुआ है प्रोविजन। बड़ा सा ये वार्डरोब है। ये बॉक्सेस भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या साइज है इसका। साइज आप देख सकते हो, साइज काफी अच्छा है इसका। सारे आपको सॉफ्ट क्लोज है ये। और ये हमारा हो गया वार्डरोब। वार्डरोब का भी साइज जो है काफी अच्छा साइज है, जो कि आप देख सकते हो काफी अच्छे साइज का ये वार्डरोब है। ये भी सारे सॉफ्ट क्लोज हैं आपको, ये भी सॉफ्ट क्लोज है आपको। इसमें अटैच वॉशरूम है ये, जो कि आप देख सकते हो। इस प्राइस रेंज में आपको ये फिटिंग, ये ब्रांड नहीं मिलता है इन जनरल। टाइल की वो आप क्वालिटी देख ले, कितना अच्छा लग रहा है डिजाइन इसका। और ये हमारा हेवेल्स के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। टाइल भी अच्छी लगी हुई है, फ्लोर टाइल भी इसकी अच्छी है और वॉल टाइल भी अच्छी लगी हुई है। इसमें जो फिटिंग है वो सारे से अलग है, चाहे वो आपको इसके वॉश बेसिन हो। ब्रांड आप देख सकते हो यहाँ पे सरक भी की है। इसमें जो जितने भी टैप्स लगे हुए हैं सारे सेरा की हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो इसके बॉक्सेस आप देख लो, बॉक्सेस भी काफी, इसकी साइज काफी अच्छी है इसकी। और यहाँ पे सेरा की भी दी हुई है, ये भी सेरा की है, ये भी आप देख सकते हो। इसमें आपको कुछ भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया हुआ है, जो भी आप देख सकते हो। और ये सारे सॉफ्ट क्लोज है आपको, ये सारे सॉफ्ट क्लोज है। और ये हमारा वॉशरूम हो गया, जो कि काफी अच्छे सर्विस का है। और ये हमारा हो गया कमोड, हो गया ये हमारा, ये भी सारा का ही है। मूविंग ऑन टू दी बालकनी, ये हमारा बालकनी हो गया इससे अटैच, जो कि आप देख सकते हो काफी अच्छे साइज का बालकनी है। इसमें भी आपको डोर लगी हुई है। और ये हमारा बालकनी हो गया, सामने में ग्लासेस लगी हुई है। इसमें साइज भी काफी डिसेंट है। और सामने का व्यू मैं आपको एक बड़ी वॉक अराउंड करवाता हूँ इसका। यहाँ पे भी एकदम आपको ग्रीनरी काफी लगी हुई है और मौसम भी काफी अच्छा है इधर का, अभी हो रखा है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम। ये हमारा सेकेंड बेडरूम हो गया सामने में। और आप देख सकते हो कि डिजाइन काफी इसका
एक बड़ी मैं दिखाता हूँ आपको टेक्सचर वॉल जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे वॉलपेपर, काफी अच्छा लग रहा है देखने में डिजाइन। ये हमारा सेकंड बेडरूम हो गया, इससे फ्लोर टाइल लगी हुई है इसमें, फॉल सीलिंग का डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है इसका, यहाँ पर टेक्सचर वॉल दिया हुआ है। यहाँ भी आपको बैल्कनी है छोटा सा, यहाँ अपना वॉशिंग मशीन आप रख सकते हो, इसके भी प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ चैम्बर भी बनी हुई है आपको। ये हमारा बेसिकली सॉफ्ट एरिया हो गया, बट यहाँ पे भी एक छोटा सा बैल्कनी दिए है जो प्रॉपर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे डोर भी है लगी हुई। तो आप यहाँ भी, ये हमारा वार्डरोब हो गया जो साइज काफी अच्छा है इसका भी, एक बड़ी में इसका भी साइज आपको करवाता हूँ। साइज काफी बड़ा है इसका। और ये हमारा साइड, साइड का भी साइज काफी बड़ा है ये वाला। इससे अटैच ये वॉशरूम हो गया जो कि इसमें फिटिंग सारे सेरा के दिए हुए हैं। टाइल की क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, शावर का भी साइज काफी बड़ा है इसका, हेवल्स का एक झांस लगा हुआ है इसमें। और आप देख सकते हो इस प्राइस रेंज में आपको ये नीचे के बॉक्सेस नहीं मिलते हैं, यहाँ भी प्लेटफॉर्म पे डबल या इसका मिल रहा है आपको, डबल लेयरिंग किया हुआ है इसका ग्रेनाइट का, सॉरी मार्बल है बेसिकली। और यहाँ पे सेरा का दिया हुआ है, ये वॉश बेसिन सेरा की आपको टैप भी दी हुई है, सारे फिटिंग इसमें सेरा की है। और ये हमारा कमोड हो गया इसका, किचन एरिया, ये हमारा किचन एरिया हो गया। ये हमारा किचन हो गया, इसमें भी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, नीचे भी बॉक्सेस बनी हुई है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का स्पेस इन्होंने छोड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हो, टाइलें पूरी ऊपर तक लगी हुई है, पूरी ऊपर तक लगी हुई है टाइलें भी आप देख लो, पूरी ऊपर तक लगी हुई है। यहाँ पे हेवल्स का दिया हुआ है एग्जॉस्ट, यहाँ भी आप इसको खोल सकते हो, प्रॉपर आपको खोल दोगे तो प्रॉपर आपको एयर आएगी यहाँ से, प्रॉपर आप देख सकते हो प्रॉपर एयर आएगी यहाँ से आपको, काफी बड़ा साफ है ये। और ये हमारा सिंक एरिया हो गया, इसमें भी जी फिटिंग है, सारा सेरा भी लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। इसमें जो बने हुए हैं सारे ये कटलरी, चम्मच ग्लास रखने के लिए काफी अच्छा है। नीचे भी सारे बने हुए हैं, इसके नीचे भी सारे बर्तन रखने के लिए सारे बने हुए हैं। और इसका भी स्पेस काफी अच्छा है, यहाँ भी जो बने हुए बॉक्सेस सारे मैं दिखाता हूँ आपको, एक बड़ी काफी अच्छा स्पेस है इसका भी। बेसिकली ये जो हमारा किचन है ये यू शेप किचन है, और ये इसके डोर सारे सॉफ्ट क्लोज हैं जो कि आप देख सकते हो, ऊपर में भी बॉक्सेस बने हुए हैं, ये भी सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। एक बड़ी मैं वॉक अराउंड करवाता हूँ आपको इस किचन का, ये
यहाँ पे भी इन्होंने ये छोड़ा हुआ है, हल्का सा स्पेस देख सकते हो आप, खाना यहाँ से सर्व भी कर सकते हो आप, बाहर निकल के देना आपको कोई भी जरूरत नहीं, आप यहीं से खाना उना करके तैयार यहीं से आप टेबल पे रख सकते हो। 150 फ्लोर है ये। यहाँ पे चिमनी का प्रोविजन भी दिया हुआ है, वैसे यहाँ आपकी चिमनी लग जाएगी, यहाँ से यहाँ पे चिमनी लग के यहाँ पे इधर से आपको निकल जाएगी चिमनी का। ये हमारा किचन हो गया। तो गाइस ये था हमारा आदर्श नगर गुड़गांव का 2 BHK। मैं सारा कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्राइस सब कुछ, कितने फ्लोर इसमें अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, ऐसा वीडियो मैं आपके लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।